हे, दिस इज़ जी गेमिंग एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट के एक न्यू पैच अपडेट का, जो कि 4.1 है। एंड देखेंगे कि उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं एंड क्या क्या लेटेस्ट फीचर्स हैं जो कि यूबीसॉफ्ट क्लेम करती है। सो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज अपडेट, अ मैसिव अपडेट जो कि इस पैच साइज़ के साथ हमें मिलेगा, जो कि पीसी यूज़र के लिए 50.65 GB, एक्सबॉक्स सीरीज़ के लिए 48.5 GB एंड प्ले स्टेशन 5 एंड प्ले स्टेशन 4 के लिए 45.5 GB। सो ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट एंड विद अ गुड स्पेस, एंड आई होप कि इसके साथ हमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी जैसे पहले हमें मिलती रही है घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट में। और फिर दूसरी अपडेट जो है वो है वेपन्स की, एंड उसमें से हमें मिलता है ACR जो कि असॉल्ट राइफल है, जो कि हमें घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट में नहीं मिला था पहले, बट हमें वाइल्डलैंड्स में दिया गया था। एंड ये है एक बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि असॉल्ट राइफल है, जो कि थोड़े से कम रिकॉइल में आती है। फिर आता है हमारे पास M110 जो कि डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल है, एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग रेंज राइफल, एंड ये भी हमें अपडेट में मिलता है। देन हम बात करते हैं न्यू एनिमीज़ की, जो कि कॉन्क्वेस्ट मोड में हमारे पास फीचर करेंगे एक बॉर्डर ट्रूप्स जो हैं, जिनमें हमें मिलता है एक टेक्टिशियन जो रेडियो ऑपरेटर है, ऑपरेसर, एक आर्मर्ड ब्रीचर, ड्रेडनॉट, एक आर्मर्ड रॉकेट गनर, ट्रूपर जो कि राइफलमैन है, एंड फाइनल सीकर राइफलमैन जो कि ऑप्टिकल कैमो यूज़ करेगा। साथ साथ हमें कुछ रशियन व्हीकल्स एंड रशियन वेपन्स मिलते हैं, जिनमें से जो न्यू रशियन वेपन्स हैं वो है SR-3M और SR-3M स्काउट एंड टैक्टिकल, और जो हमारी फेवरेट है वो है AK-47 शॉर्टी। तो इसके साथ एंड कुछ व्हीकल्स हैं जैसे कि एग्जोशेल जो कि रशियन है, एंड सारी जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं वो सारे ही रशियन वेपन्स एंड रशियन व्हीकल्स हैं जो कि इस अपडेट के साथ हमें मिलेंगे। और अब बात करते हैं एक ऐसे अपडेट की जिसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जिसका हमें बहुत पहले से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, एंड वो अपडेट है ऑप्टिकल कैमो की। एंड इसमें हमें ऑप्टिकल कैमो पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस दिया गया है, जिसमें आपको इसको इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी मिलती है, इसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी मिलती है, और इसमें आप अपने बैटरी ड्यूरेशन जो है ऑप्टिकल कैमो की वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके डिप्लीशन रेट वो इम्प्रूव कर सकते हैं, रीलोडिंग रेट इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसका जो डिटेक्शन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ये आपका एक आइटम व्हील में एक परमानेंट आइटम है जो कि आप जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इस टाइटल अपडेट में आपको वेदर एंड एम्बियंस एनहांसमेंट मिलती है, इसका मतलब ये है कि आपके जो क्लाउड्स हैं, आपकी जो फोग है, एंड जो वेदर जो आपका ओवरऑल जो रेनिंग रेनी सीज़न है या फिर कोई भी जो मार्श एरियाज़ हैं उसमें आपकी जो क्वालिटी है वो पहले से ज़्यादा क्लियर होती है, एंड थोड़ी क्लाउड्स की डेंसिटी एंड फोग की डेंसिटी वो भी इसमें इम्प्रूव है। ओवरऑल जो मतलब इन्वायरमेंट है वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है अपडेट में। एंड इस अपडेट के साथ हमें यूबीसॉफ्ट जो है वो कुछ फ्री स्किन्स एंड कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड करेगा, जिसमें से जॉन कोसेक, टॉम क्लेंसी, घोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर भी आता है, जैसे कि वो अपनी एनिवर्सरी पे घोस्ट रिकॉन एनिवर्सरी पे अनाउंस भी किया था कि वो हमें 3 कॉस्ट्यूम्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर।